नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व पोटका विधायक अमूल्य सरदार का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन, पोटका में दौड़ी शोक की लहर। सरायकेला जिला कोर्ट में विक्की सेठ ने किया सरेंडर, बबलू बोदरा गोलीकांड में था आरोपी। टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन एन चंद्रशेखर पहुंचे जमशेदपुर शहर, संस्थापक दिवस में लेंगे भाग। और सरायकेला जिले में दुष्कर्म का मामला आया प्रकाश में, महिला कर्मचारियों ने कंपनी सुपरवाइजर पर लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर स्थित पुटका विधानसभा के पूर्व झामो के विधायक अमूल्य सरदार के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक रात करीबन 12 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और परिजन जब हॉस्पिटल लेकर गए तब वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अमूल्य सरदार के निधन से पुटका में शोक की लहर दौड़ गई है। और इधर सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में बबलू बोदरा नामक युवक को गोली मारकर घायल करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी विक्की सेठ ने सरायकेला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बीते दिनों आरआईटी थाना क्षेत्र में बबलू बोदरा नामक युवक को गोली मारकर घायल करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी व अपराधी विक्की सेठ ने सरायकेला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस गोलीकांड को अंजाम देने में अपराधी विक्की सेठ और मृत्युंजय ओझा का नाम आने के बाद दोनों ही आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिसिया कार्रवाई के बाद अपराधी विक्की सेठ ने सरायकेला कोर्ट में बुधवार को सरेंडर किया। अब उसे गुरुवार को पुलिस रिमांड पर लेगी। वहीं मामले का दूसरा आरोपी मृत्युंजय ओझा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बबलू बोदरा नामक युवक को गोली लगी। 22 तारीख को बबलू बोदरा नाम का एक युवक पर गोली चलाया था 3 गोली, जिस पर पुलिस के द्वारा दबाव बनाने के बाद आगे उसे कोर्ट में सरेंडर किया है। उसको कल रिमांड पर लाया जाएगा। और यहाँ आपको बताते चले कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन लोह नगरी जमशेदपुर पहुंच चुके हैं और जेएन टाटा के संस्थापक दिवस के मौके पर शिरकत करेंगे। सोनारी एयरपोर्ट पर टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं चंद्रशेखरन सीधे एयरपोर्ट से डायरेक्टर्स बंगलो पहुंचे, जहां टाटा स्टील के एमडी समेत कई अधिकारी बैठकर विचार विमर्श किए। वहीं चंद्रशेखरन पहली बार चेयरमैन बनने के बाद जमशेदपुर पहुंचे हैं। और एक बार फिर से बात सरायकेला की। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित एक कंपनी में मजदूरी करने वाली दो महिलाओं ने कंपनी के सुपरवाइजर पर अश्लील एमएमएस बनाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आरआईटी थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित निजी कंपनी राधाकृष्ण स्टील कंपनी में मजदूरी करने वाली दो महिलाओं ने कंपनी के सुपरवाइजर पर अश्लील एमएमएस बनाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत लेकर पीड़ित महिलाएं आरआईटी थाना पहुंची और कंपनी के सुपरवाइजर प्रणय डे नामक युवक पर जबरन निर्वस्त्र कर अश्लील एमएमएस बनाने और दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने बताया कि आरोपी युवक कई दिनों से दो महिलाओं का शोषण कर रहा था और अपने पद का धौंस दिखाते हुए इनकी तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बाद तंग आकर इन महिलाओं ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने थाने में मामला दर्ज किया है। पूरा हम लोग का उपज छपा किया था ना सर, ऑफिस सब किया था, उसमें उल्लंघन किया है हम लोग को बोला था नहीं करेंगे बोला था, बाद में उसको जबरदस्ती किया है, पूरा लंगा करके किया है, फोटो खींचा है, जानते मेरा ऊपर में बैठा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं किया है, लेकिन कुछ सब कुछ किया है, लेकिन मेरे पास में सब कुछ किया है। लंगा ऑफिस में कौन ऑफिस? और ये अभी बोलते क्या ऑफिस बोलते हैं राधाकृष्णा, उसका नाम जानते हैं? आदमी का नाम जानते हैं? उधर आदमी का नाम सर नहीं जानते हैं, उसना उसका नाम वो काम के लिए तो हम लोग नहीं जाते हैं सर, वही वैसे करेगा तो हम लोग तो बोलेंगी। नहीं नहीं, वो कौन मालिक का नाम क्या है? मैनेजर का नाम कोल्टू है। कोल्टू वो नहीं ना किया था? वो नहीं किया था, वो छुपा दिया उसको, लड़का को छुपाया। अच्छा, लड़का कौन है, लड़का क्या करता है वो? लेकिन ऑफिस में बैठा था, वो ऑफिस में बैठेगा, वो लोग पूरा तार ये चेक इन करता रहेगा वो। इधर मामले की लिखित शिकायत किए जाने के बाद पुलिस द्वारा कंपनी में पूरे मामले की जांच की जा रही है, जबकि पूरे घटना के बारे में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। इधर स्थानीय लोगों ने मामले में शामिल आरोपियों को पुलिस द्वारा छोड़े जाने का भी आरोप लगाया है, जबकि इस घटना के बाद आरोपी सुपरवाइजर भी फरार है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत वरीय अधिकारियों से भी करने की बात कही है।
राधा कृष्ण जो कंपनी है उस कंपनी में ये महिला लोग वहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए दो वक्त रोटी कमाने के लिए खाती है, कमाती है। लेकिन इसका उपरांत वहाँ पर ही इस महिला लोग को शोषण किया जाता है, अपना देह का कारोबारी का बोला जाता है कि देह का कारोबारी कीजिए और आप लोग को अधिक पैसा देंगे। ये लोग का फोटो मोबाइल से फोटो खींच के जनता के बीच लोगों के बीच ये लोग को बांटा जाता है। कल शनिवार के ये मामला जो है फिर से बुला के दूसरा महिला को फिर बुला के आज उसका बारी है, आज कल तुम्हारा बारी होगा, इस तरह का पूरा फोटो मिली भगत। और इसमें जो है जो है हमको लगता है कि इसमें जो है पूरा मालिक का भी इसमें मिली भगत पूरा प्रश्न है, अन्यथा कंपनी के अंदर जिस तरह का हाल हो रहा है हमको नहीं लगता है कि बिना मालिक का इस तरह का काम होता है। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 13 में लोगों ने छोटा गब्बर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मानगो थाने पर प्रदर्शन किया। बताया जाता है छोटा गब्बर हमेशा जवाहर नगर रोड नंबर 13 में उत्पात मचाया करता है, जब तब किसी न किसी के साथ गब्बर मारपीट करता है। इधर बुधवार को गोल्डन नामक युवक के साथ मारपीट की, अंत में बस्ती वालों ने छोटा गब्बर को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मानगो थाना पर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर मोहम्मद इफ्तखार ने मामले के संबंध में जानकारी दी। गोल्डन से हुआ था, गब्बर से, और गब्बर के भाइयों में सभी से कंपनी। और आज क्या हुआ? आज जो है हम लोग थे नहीं, आज का रिपोर्ट जिनको मारा है ये बताएंगे क्या हुआ। आज मारा है इनको, मारा है आज इनायतुल्ला को मारा है, वही गब्बर के भाई लोग, और गब्बर खुद मारा है। मंगल है, गब्बर है, कौन कौन है ये बताएंगे। क्या इस तरह बस्ती में गुंडागिरी कर रहा है? हाँ, ये तो गुंडागर्दी ही है ना। नाम बताएं जिनको मारा है। कौन सा रोड का है ये? 13 नंबर रोड का है, तैबा नगर में, तैबा मस्जिद के पास। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ओम साईं राम। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध स्वामी रामकृष्ण शास्त्री जी श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर में आए हैं। ये श्री साईं बाबा का परम भक्त भक्ति का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देखकर दिल की बातें बताते हैं। स्त्री पुरुषों पर किसी भी प्रकार की समस्या का स्वामी जी भक्ति पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान, व्यापार, राजनीति, विदेश भ्रमण, प्रेम विवाह, प्रेम भंग, विद्या, स्वास्थ्य, शत्रु से मुक्ति के लिए मिलें। स्वामी जी द्वारा कई नेता, अभिनेता एवं उद्योगपतियों ने भी लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है वे एक बार अवश्य मिलें। पहली ही मुलाकात में समाधान होगा, इसका लाभ उठाएं। समय प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक एवं 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा पता एफिल टावर, फ्लैट नंबर 4B, चौथा तल्ला, मनी मेला मैदान के पास, कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया, रोड नंबर 3, गुजराती सनातन समाज के पास, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 0657-655-6126 एंड 7739606061। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शन प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट पेश करते हैं एमिरेट्स अपार्टमेंट, आपके ख्वाबों का आशियाना अब आपके पास। 2BHK एंड 3BHK फ्लैट सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त, किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट, या कॉल करें 9931117 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नज़ारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस हाजी साहेब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मानगो जवाहर नगर। आर ऑफिस एड्रेस मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12 KD फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर,
831-00-831-00-5. Mobile number 993-111-780 and 977-148-7336. Landline number 0657-230-0213. Aspire Classes. Aspire Classes is a distinguished institution in the field of educational arena of Jamshedpur, which facilitates education platform for the students of CBSE, ICSE, JAC and NIOS. An institution where experienced faculties coach the students in the spiritual environment. This institute is the institution of the students, by the students and for the students. Parents are also the partners of the institution who help us in achieving the goal by being conscious at home. Our objective is to produce best students in the academic as well as cultural and spiritual field. The institute also imparts coaching for the competitive exams like railways, SSC, banking and other government and private sectors. The institute conducts special classes for NTTF, apprentices, polytechnic, ITI and diploma past candidates. Aspire Classes, holding number 1, Chandinagar near MGM Hospital, Sakchi, Jamshedpur. Phone 2231212. नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ ग्लोबल विलेज में शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ ग्लोबल विलेज में शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलोनी के लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ बीते 27 फरवरी से 3 दिवसीय मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका समापन 1 मार्च को पूरे विधि विधान के साथ किया गया। वहीं नगर भ्रमण के साथ ही आयोजित अनुष्ठान का भी समापन हो गया।